अभी जो शाम को एग्ज़ाम हुआ था 3 दिसंबर को, उसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट करके बताया था, तो उसी हिसाब से राइटिंग आई। आप चेक कर सकते हैं मेरा जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेम एग्ज़ाम आया है या नहीं आया है। और अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है, ईजी मॉडरेट के बीच में था। थर्ड पैसेज थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है जी। और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी आई थी। और अगर हम बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग टास्क 1 जो था वो टेबल देखने को मिला है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेज आवर वर्क पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मैन एंड वुमेन इन 3 कंट्रीज इन यूरोप इन 2000 एंड कंपेयर विद यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है जी। अब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 8 दिसंबर के लिए प्रेडिक्शन वीडियो डालेंगे, 10 दिसंबर के लिए, 17 दिसंबर के लिए और 24 दिसंबर के लिए, और जिनका जनवरी में एग्ज़ाम उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम टास्क 2 की बात करें तो जो टास्क 2 आपको देखने को मिला है, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। इन फ्यूचर रोबोट्स मे डू मोर ऑफ द वर्क दैट इज़ डन बाय ह्यूमन टुडे, ठीक है जी। एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो ये सारा कुछ जो था इवनिंग स्लॉट में देखने को मिला है, काफ़ी इजी एग्ज़ाम था। और अगर आपका कोई कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आपको लग रहा है कि यहाँ आपका थोड़ा एग्ज़ाम डिफरेंट आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लोकेशन वाइज चेंज हो सकता है, ठीक है जी। थैंक यू।